जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट लेंगे। अभी तक आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े उसमें हम बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और बेसिकली दी बायो केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पर बात कर रहे थे। आज हम देखेंगे कि किस तरह से आपके पास जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी हुई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली फर्स्ट सिक्स चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, जिसका पहला चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपके पास किस चीज़ को हाईलाइट करती है, लेट्स सी। पीरियोडिक टेबल आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर देखा है। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? पीरियोडिक लव्स ही किसी चीज़ की तरतीब का है, अरेंजमेंट का है। तो पीरियोडिक टेबल हमें क्या देता है? ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है टू स्टडी द पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज देयर कंपाउंड्स। यानी हम एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स के पीरियोडिकली फिजिकल और केमिकल फीचर्स जान सकते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमें पीरियोडिक टेबल में मिलती है और पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे लोगों की काविशें हैं। हमने जो इसमें बेसिकली देखना है, दैट इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो प्रीवियस पीरियोडिक टेबल था वो था मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल, जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता था उनके मैसेस की बुनियाद पर। तो आपके पास नॉर्मली हम अब जो नेक्स्ट में देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसमें हमारे पास अरेंजमेंट डिफरेंट है, क्लास डिफरेंट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये कहता है कि अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, तो उनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको एक पीरियोडिक मैनर में रिपीट होती मिलेंगी। तो इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को पीरियोडिक, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा जाता है, जिसके आप फीचर्स मज़ीद आज देखेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? एक ऐसा पीरियोडिक टेबल जिसमें ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब हम इस टेबल के कुछ फीचर्स स्टडी करेंगे। इसमें होता है बेसिकली ग्रुप्स और पीरियड्स। ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो तमाम वो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उन्हें वर्टिकल कॉलम्स में प्लेस किया जाता है, उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। और टोटल 8 ग्रुप्स होते हैं जिनको रोमन नंबर्स में 1 से लेकर 8 तक एक्सप्रेस किया जाता है। हर ग्रुप को दो हिस्सों में बांटा गया है, दो सब ग्रुप्स होते हैं, एक ए और एक बी सब ग्रुप। और सब ग्रुप जिसमें आपके पास नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हों उन्हें हम ए सब ग्रुप में रखते हैं, और जो बी सब ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम लेस टिपिकल एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, जो हमारे सेंटर पे मौजूद होते हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त पीरियोडिक टेबल में आपको जो ग्रुप्स की स्टडी अगर आप देखें तो ये फर्स्ट ए, ये सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फाइव फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ ए और एट्थ ए, ये ए के जो ग्रुप्स हैं ये नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। जबकि ये जो सेंटर में थ्री बी, या आप देख सकते हैं वन बी, टू बी, थ्री बी, फोर बी, फाइव बी, सिक्स बी, सेवन बी या एट बी, ये सारे जो सेंटर में लाए करें हैं ये टिपिकल, लेस टिपिकल एलिमेंट्स हैं और इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और ये हमने पीरियड्स में बिहेवियर देखा जिनको दो हिस्सों में बांटा गया, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में। अब सेकेंड जो चीज़ होती है जो टेबल में स्टडी की जाती है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में, दैट इज़ द हॉरिजेंटल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिन्हें पीरियड्स कहते हैं। और हमारे पास काफ़ी सारे फीचर्स हैं इन पीरियड्स के। अगर हम देखें तो ये आप साइड पर नंबर देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 टोटल पीरियड्स होते हैं जिनको वन बाय वन हम देखेंगे। ए में आपको नज़र आ रहा है कि टोटल 7 पीरियड्स हैं जो आपने भी देखा, और इन्हें अरेबिक नंबर्स 1 to 7 से शो किया गया, जबकि ग्रुप्स को हमने जो है सिंपल दूसरे नंबर्स में देखा जो रोमन होते हैं। इसी तरह आप सेकंड में देख सकते हैं कि जो पीरियड 1 है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसी तरह जो पीरियड 2 और 3 है, 2 और 3 ये वाले पीरियड्स हैं, इनमें अगर आप काउंट करें तो ये 8 एलिमेंट्स बनते हैं और इन्हें शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। तमाम एलिमेंट्स इस पीरियड में रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं और ए सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं सारे के सारे। और इन पीरियड में हर जो आपके पास 8th एलिमेंट है, यानी आप अगर यहाँ से काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट के बाद, आपकी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट हर नेक्स्ट प्रॉपर्टी से मिलेगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट से रिजेंबल करेगा। यानी एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल इन प्रॉपर्टीज़ विद द फर्स्ट एलिमेंट। यानी अगर आप काउंट करते हुए फर्स्ट पर आ जाएँ तो आपको इस तरह से हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी उससे नेक्स्ट से फर्स्ट वाले से मिलेगी। यानी इसकी प्रॉपर्टीज़ इससे ऐसी हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ इससे ऐसी हैं, इस तरह इसकी प्रॉपर्टीज़ इससे ऐसी हैं, तो आप इसमें कंपैरिजन देख सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें सेकंड और थर्ड पीरियड में, तो लिथियम और ब्रिलियम, आपके पास सोडियम और मैग्नीशियम से इनकी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, यानी लिथियम की सोडियम से, ब्रिलियम की मैग्नीशियम से। सो इसी तरह बोरॉन और एल्यूमिनियम को ले लें, आपके पास इनकी आपस में क्लोज रिजेम्बलेंस है और दोनों आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे। नेक्स्ट आ जाता है पीरियड नंबर 4 एंड 5।
अगर हम इनकी बात करें तो ये लॉन्ग पीरियड्स हैं जो आप देख रहे हैं, ढेर सारे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हैं और हर पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं इन टोटल। सो जिनमें जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि उनमें से 8 जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं और ये बिलोंग करेंगे ए सब ग्रुप से, और सिमिलर टू सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड की तरह ये ए सब ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और जो 10 एलिमेंट्स हैं, 8 के बाद जो रह गए वो 10 थे, 10 एलिमेंट्स जो हैं इन्हें सेंटर में प्लेस किया गया है और ये आपके पास बी सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इन पीरियड्स में आपको रेपिटेशन हर 18 एलिमेंट के बाद मिलेगी, और उसमें 8 एलिमेंट्स के बाद मिल रही थी, यहाँ 18 एलिमेंट्स के बाद मिल रही है। तो आप पोटाशियम 19 का देख सकते हैं, आपका जो एटॉमिक नंबर 19 है इसका, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ रुबिडियम से मिल रही हैं जो कि 37 है। तो हर 18th एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज़ आपस में रिपीट हो रही हैं, तो दैट इज़ द पीरियडिक मैनर विच शोज इन द पीरियडिक टेबल। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं पीरियड 6 के अंदर, ये एक लॉन्ग पीरियड है, किस तरह से है कि इसमें 32 एलिमेंट्स हैं और इस पीरियड के अंदर 8 आपके पास रिस्पेक्टिव। तो अब आप इसमें 32 एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो किस तरह से है कि उसमें से 8 एलिमेंट्स जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं, 10 एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और एक न्यू सेट ऑफ एलिमेंट्स आपको मिलेगा जिन्हें हम लेंथेनाइड्स कहते हैं और ये 14 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं और सेपरेटली आपको बॉटम में मिलेंगे लेंथेनाइड्स जो 14 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हैं और 57 LA लेंथेनम से इनका स्टार्ट होता है जो आप यहाँ पर 6 पीरियड में देख भी सकते हैं। दैट इज़ द 57 लेंथेनम जिसके सारे मेंबर्स यहाँ नीचे मौजूद हैं और उसे हम लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज चूँकि डिफरेंट होती हैं, इन्हें बॉटम में सेपरेटली प्लेस किया गया है। नेक्स्ट है जी पीरियड नंबर 7, ये इनकम्प्लीट है और इसमें दो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं फ्रांशियम एंड रोडियम, और इसके साथ आपके पास दो हैं 88 और 87 के रेडियम के बाद। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको बॉटम ऑफ द सीरीज एक सीरीज मिलेगी जिन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं 89 एटॉमिक नंबर के साथ एक्टिनाइड्स। सो इनको भी बॉटम में प्लेस किया गया पीरियड टेबल के लेंथेनाइड के साथ। इनकी एक तो बहुत कम रेयर हैं ये, इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो ये आपके पास जो है ग्रुप्स और पीरियड्स की कॉन्ट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू द टेबल जो आप देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट फीचर की तरफ जो मॉडर्न पीरियडिक लॉ में देखेगी, दैट इज़ दी फैमिलीज इन द पीरियड टेबल। अगर हम फैमिलीज की बात करें तो आपने देखा कि कुछ रोज ऑफ द एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं और उन्हें कॉमन नेम्स भी असाइन किए जाते हैं, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जैसे लेंथेनाइड्स, जैसे एक्टिनाइड्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इसी तरह पेक्यूलर प्रॉपर्टीज़ को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे ग्रुप्स को कुछ नेम असाइन कर दिए गए, जैसे कि ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं उनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। क्या वजह है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाते हैं वाटर के साथ, इसीलिए इन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है। लाइक सोडियम इसमें टॉप मेंबर है और इसमें मेन इफेक्टिव एलिमेंट है। तो सोडियम आप देखें वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। तो इनकी प्रॉपर्टी है कि ये अल्कली सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो इसीलिए इन्हें आप अल्कली मेटल्स कहते हैं। इसी तरह आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में मौजूद हैं और उनकी नेचर अल्कलाइन होती है। इन एलिमेंट्स को इसी बुनियाद पर, इसी लेवल पर जो नाम दिया जाता है, जो कि सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो बाकी सारी फैमिलीज हैं अपने टॉप टॉप मेंबर्स के अकॉर्डिंग है, बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है। इसके बाद आ जाएंगे आप 7A ग्रुप पर जो हेलोजन फैमिली कहलाती है। हेलोजन वर्ड बेसिकली उनके लिए है जो साल्ट फॉर्मिंग एबिलिटी रखते हैं। हेलोजन जो होता है, जिन होता है फॉर्मर, और हेलो साल्ट को कहते हैं, यानी जो साल्ट फॉर्मर्स होते हैं। इसमें फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमीन, आयोडीन के ग्रुप शामिल हैं इन 7A ग्रुप के एलिमेंट्स। ग्रुप 8A को हम आपके पास लीस्ट रिएक्टिव मानते हैं और ये नोबल गैसेस होती हैं, और इस तरह से डिफरेंट फीचर्स और डिफरेंट बिहेवियर्स की बुनियाद पर फैमिलीज़ को, ग्रुप्स को फैमिलीज में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट हम जो फीचर देखेंगे दैट इज़ द ब्लॉक्स इन द पीरियडिक टेबल। ब्लॉक्स के हवाले से बात की जाए तो एलिमेंट्स को पीरियडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स में रखा गया है, और इसकी क्लासिफिकेशन वेलेंस ऑर्बिटल ऑफ द एलिमेंट जो केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, जो भी एलिमेंट, उसके वेलेंस ऑर्बिटल की बुनियाद पर रखी गई है। यानी अगर हम क्लासिफिकेशन के अतबार से देखें तो एलिमेंट्स जो फर्स्ट ए और सेकंड ए सब ग्रुप्स के हैं उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में अवेलेबल होता है। इसी तरह आपके पास जिसका जिसमें अवेलेबल होगा वो उसी ब्लॉक में कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह आपके पास अगर ब्लॉक्स देखें तो 4 ब्लॉक्स बन गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जिसमें आपने एस ब्लॉक को देखा कि ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स क्योंकि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में फिल होता है इसीलिए उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कह रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड ए से लेकर 8A ग्रुप सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट हीलियम,
इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन इनके इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में जो है अवेलेबल होते हैं और डी ऑर्बिटल रिस्पॉन्सिबल होता है इनकी वैलेंसी का, तो इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। जितने भी लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एफ ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन हमें बताती है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, जो इनकी प्रॉपर्टीज से रिलेट करता है। लास्ट में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल में, मेटल्स कहाँ पर हैं, नॉन मेटल्स कहाँ पर हैं और मेटलाइट्स कहाँ पर हैं। अगर क्लासिफिकेशन की जाए पीरियोडिक टेबल की, तो एलिमेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड पर हैं और सेंटर में हैं और बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैं, उन्हें हम मेटल्स कहते हैं, जबकि नॉन मेटल्स हमें अपर राइट कॉर्नर ऑफ द टेबल मिलेंगे, और स्पेशली द मेंबर्स ऑफ द थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, लोअर मेंबर्स, उनके पास जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेटल्स की भी होती हैं, नॉन मेटल्स की भी होती हैं, इसीलिए उन्हें हम सेमी मेटल्स या मेटलाइट्स कहते हैं। तो ग्रुप ए, फोर ए से लेकर एट ए तक टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर स्टेप लाइन से ऊपर जो हैं वो सारे नॉन मेटल्स हैं, और आपके पास जो एलिमेंट्स जस्ट अंडर द स्टेप्स हैं जिसमें सिलिकॉन, एस्ट्राटिन, टेलोरियम आते हैं, ये जिनमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें हम मेटलाइट्स कहते हैं। तमाम एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बाकी जितने रह गए वो मेटल्स हैं। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन के जो है बिहेवियर्स को स्टडी कर सकते हैं। दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम पीरियोडिक ट्रेंड्स देखेंगे, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं अब कौन कौन से ट्रेंड्स होंगे, क्या फीचर्स होंगे, वो हम स्टडी करेंगे इसमें। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने भी देखा कि इसमें एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया जाता है। तो इसमें कुछ चीज़ें देखने की हैं जिससे हम ट्रेंड्स को स्टडी करेंगे। ग्रेजुअली आपके पास जैसे ही जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल भी आपके पास इंक्रीज हो रहे हैं। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक स्टेडी चेंज आता है, जो वेरिएशन आप ग्रुप में भी देखेंगे और पीरियड में भी देखेंगे। आज हम बेसिकली एटॉमिक साइज़ को स्टडी करेंगे कि उसका क्या ट्रेंड होता है अलॉन्ग ग्रुप एंड पीरियड। तो एटॉमिक साइज़ में सबसे पहली चीज़ आ जाती है एटॉमिक रेडियस। एटम्स चूँकि बहुत स्मॉल होते हैं और उन्हें एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से जो देखना भी इम्पॉसिबल है, तो एक साइज़ ऑफ सिंगल एटम को इसीलिए हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके लिए टेक्निक्स अप्लाई करते हैं कि हम बेसिकली एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट लेते हैं। और ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बताते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट, यानी हाफ ऑफ द डिस्टेंस हमारा रेडियस कहलाएगा, तो उससे हम एटॉमिक रेडियस मानते हैं कि दो एटम्स हैं और उनके सेंटर्स का अगर आप डिस्टेंस ले रहे हैं, एक के एटम के सेंटर का दूसरे एटम के सेंटर से हम जो डिस्टेंस लेते हैं वो उनके सेंटर्स कहलाते हैं, उसका हाफ हमारा क्या कहलाएगा, वो एटॉमिक रेडियस होगा, उसका हाफ क्या कहलाएगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, दैट इज़ द रेडियस ऑफ एन एटम। सो पीरियोडिक टेबल में हम ये ट्रेंड देखेंगे कि ये एटॉमिक रेडियस जो है वो किस तरह से ग्रुप में और पीरियड में वेरी करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ग्रुप की बात करेंगे। ग्रुप में ये देखा गया कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है जब आप टॉप से बॉटम जाते हैं विद इन अ ग्रुप। उसकी पहली वजह ये है कि जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से हमारे पास एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल जो है वो इंक्रीज होगा। जब शेल एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ेगी। अब एक्स्ट्रा शेल बढ़ने से हमारे पास एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज कर ही रहा है, तो ये चीज़ आप देखते हैं इस फैक्टर में। दिस इज बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच पीरियड। सो ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है। हावर यही एटॉमिक रेडियस आप देखते हैं कि ये इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस तो कम होता है एटॉमिक नंबर, फिर भी हम जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज करेगा लेकिन एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दिस देर इज़ अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द रेडियस ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। यहाँ पर यहाँ लेफ्ट से राइट आप जाएंगे तो न्यूक्लियस की का प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, साइज रेडियस आपके पास उस एटम का कम से कम होता जा रहा है, क्योंकि जितना न्यूक्लियस पावरफुल होगा उससे क्या इफेक्ट्स होंगे। जैसे ही पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा यानी न्यूक्लियस की ताकत बढ़ेगी, तो वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को जो उसके शेल में मौजूद होंगे अपनी तरफ खींचेगा। खींचने से क्या होगा, साइज में कमी वाकई होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ये साइज़ कम होना शुरू हो जाता है जो हम देखते हैं इन द पीरियड। तो टॉप टू बॉटम तो क्योंकि शेल बढ़ रहा है और शेल आपके पास एडिशनल ऑफ शेल है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है, तो वो ज़्यादा आपके पास जो है एक्सपेंड करेंगे, और जितना आपके न्यूक्लियस और आउटर शेल के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है उतना ही न्यूक्लियस की गिरफ्त आखिरी शेल पर कम होती है, और इस इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इसके बढ़ जाने से भी न्यूक्लियस की गिरफ्त कम हो जाती है और क्लाउड ज़्यादा फैल जाता है, जिसकी वजह से जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं
तो हमारा अटोमिक नंबर तो बढ़ ही रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज़ भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, उससे क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ द क्लाउड बढ़ेगी, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, जिससे अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस शेल कम हो जाएगी। जब वैलेंस शेल पर न्यूक्लियस का असर कम होगा तो रिजल्ट क्या होगा, क्लाउड का यानी एटॉमिक साइज़ का बढ़ जाना। तो ये आपके पास हम ग्रुप में देखते हैं, जबकि पीरियड में क्योंकि न्यूक्लियस इफेक्टिव हो जाता है, ज़्यादा चार्ज रखता है, तो उसकी पावर ज़्यादा होती है कि वो ग्रिप करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से आप लेफ्ट से जब राइट जाएंगे तो आपका न्यूक्लियस पावर इतना बढ़ चुका होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, जिससे साइज़ में कमी वाकई होती है। और ये इफेक्ट हम डी और एफ के सब शेल्स में ज़्यादा देखते हैं, जो कि लॉन्गर पीरियड है, उसके एलिमेंट्स में ज़्यादा होता है। द ग्रेजुअल रिडक्शन इन द साइज़ ऑफ द लेंथेनाइड्स, ये सिग्निफिकेंट होता है, और उसे हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। बड़े एलिमेंट्स में ये ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, जो आपके लॉन्गर पीरियड डी और एफ सब शेल्स के साथ होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एटॉमिक रेडियस। यहाँ से बड़े क्वेश्चंस आते हैं, जो एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन टिक करवा कर दिए जाएंगे, वो आपने नोट रखने हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट है जी हमारा आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में क्या होता है कि अब हम आयन की बात करें, पहले हम एटम पर बात करें थे, हम आयन पर बात करें। आयन कैसे बनता है, जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है। सपोज व्हेन अ न्यूट्रल एटम लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स अ पॉजिटिव आयन, तो वो पॉजिटिव आयन बनाएगा, तो साइज ऑफ द एटम आपके पास डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया तो साइज कम हो गया। उसकी दो वजूहत है। पहली वजह क्या होती है कि आपके पास एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होते हैं न्यूट्रल एटम से, तो वो इलेक्ट्रॉनिक शेल के लॉस का सबब बन जाते हैं, कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में पड़ा है और वो इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो शेल भी लॉस हो गया, जिसकी वजह से साइज़ में कमी वाकई होगी। और दूसरी वजह क्या है कि रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन कॉज एन इम्बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो। अब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है, वैसे किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो बराबर होती है, जब आप उसमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगी, प्रोटॉन की ताकत ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स पर प्रोटॉन का जो खिंचाव है वो ज़्यादा हो जाता है। अब ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज की वजह से रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे, जो साइज़ की कमी का सबब बनेंगे। तो वो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, व्हाई दी पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर इन साइज देन अ न्यूट्रल एटम, तो आप ये दो वजूहत बताएंगे। यही वजह है कि आप साइड पे देख सकते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये इनके न्यूट्रल एटम्स हैं, और जब इनसे आइंस बने, जो आप देख सकते हैं Li+, Na+, K+, Rb+ और Cs+, तो आप ये ग्राफ नीचे देख रहे हैं, जो अगर आप एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक नंबर की रिस्पेक्ट से देखते हैं तो लिथियम का जो साइज़ है बड़ा है, जबकि उसके आयन का साइज़ कम है। उसकी वजह यही दो पॉइंट्स हैं जो आपने भी देखे, यानी सोडियम का साइज़ जो होता है 157 पिकोमीटर होता है न्यूट्रल स्टेट में, लेकिन जब उसका एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो सोडियम आयन में ये कन्वर्ट होता है, तो उसका साइज़ कम होकर 95 पिकोमीटर हो जाता है। तो ये पॉजिटिव आयन्स के लिए है। नेगेटिव आयन्स में इससे ऑपोजिट केस होगा, कि नेगेटिव आयन हमेशा बिगर होते हैं पेरेंट एटम से, और वो बनते कैसे हैं, जब भी कोई न्यूट्रल एटम गेन करता है एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो वो नेगेटिव आयन्स बनाता है। तो इनके साइज़ बड़े होने की वजह क्या है, क्योंकि आप एडिशन कर रहे हैं एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की, तो न्यूट्रल एटम में जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपके पास रिपल्शन हो जाएगी, पहली चीज़। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो यहाँ पर भी कंसिडर होगा, जो आपने ऊपर देखा था। अब यहाँ पर नीचे वाले केस में इलेक्ट्रॉन का रेशियो बढ़ रहा है और न्यूक्लियस की गिरफ्त कम हो रही है, तो ये भी वजह बनती है साइज़ के एक्सपैंड करने की, शेल के बढ़ने की। सो फ्लोरीन एटम और क्यों न्यूट्रल स्टेट में देखें तो 72 पिकोमीटर है, जबकि उससे बनने वाला फ्लोराइड आयन जो एक इलेक्ट्रॉन लेने से बनता है, उसका साइज़ है 136 पिकोमीटर। बराबर में आप देख सकते हैं जो ग्राफ बना हुआ है एटॉमिक आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई दोनों का है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटम्स हैं न्यूट्रल, और इन्हीं से बनने वाले आइंस एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, आई नेगेटिव, अगर आप इनके साइज़ की बात करें तो अपने न्यूट्रल से ये नॉर्मली न्यूट्रल वाले नीचे हैं और आपके एनाइंस वाले साइज़ ऊपर हैं। तो ये आपने जहन में रखना है कि ये न्यूट्रल है और इससे ऊपर वाले ये जो हैं एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, आई नेगेटिव, ये ऊपर वाले हैं, तो इनका साइज़ बड़ा है, यानी हर न्यूट्रल से नेगेटिव आयन बड़े साइज़ का है। उसकी वजह आपने अभी देखी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक तो रिपल्शन होती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रेशियो के इम्बैलेंस होने से न्यूक्लियस की गिरफ्त कम होगी, जो क्लाउड के बड़े होने का सबब बनेगी। तो यहाँ से भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो ये पूछ सकता है कि वाई नेगेटिव आयन इज़ बिगर इन साइज देन द पेरेंट एटम। लास्ट में हम ग्रुप ऑफ में देखेंगे कि ग्रुप में क्या चेंजेस हम देखते हैं। एक होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम ग्रुप्स पर आ जाते हैं कि जितने भी सिमिलर चार्ज आइंस होते हैं वो टॉप से बॉटम अगर हम चलें तो उनका साइज़ बढ़ता है, लेकिन पीरियड में आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आइंस वो डिक्रीज हो रहे हैं। यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती हैं, जिनमें सेम ही पॉजिटिव या सेम ही नेगेटिव चार्ज होता है।
पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयंस डिक्रीज शो करेंगे आयनिक रेडियस के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऑफ पॉजिटिव आयंस का मतलब ये है कि तमाम जो आप लेफ्ट टू राइट स्टडी कर रहे हैं जिस भी पीरियड को, तो उसके तमाम के तमाम जो है आयंस पॉजिटिव हैं, तो वो आपको एक ही जैसा डिक्रीज दिखाएंगे आयनिक रेडियस का। तो ये बेसिकली इसी वजह से मुमकिन होता है। तो बेसिकली इसमें क्या वजह होती है कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो वंस अगेन वही चीज़ के, एक तो आपके पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करने से ख़ाँ वो आप सिमिलर पॉजिटिव आइंस में स्टडी करें या नेगेटिव आइंस में स्टडी करें, तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बढ़ने से वो साइज़ जो क्लाउड का साइज़ होगा वो कंट्रोल हो जाएगा, यानी स्मॉल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ देखते हैं आयनिक रेडियस में, चाहे वो पॉजिटिव आइंस की सूरत में हो चाहे वो नेगेटिव आइंस की सूरत में हो, यानी सोडियम प्लस Mg प्लस 2 या Al प्लस 3, जो कि सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्युमिनियम आयन है, एक जैसे आपके पास एक ही पीरियड से ताल्लुक़ रख रहे हैं लेकिन चार्जेस डिफरेंट हैं, तो फिर भी अगर आप इनको सिमिलर बिहेवियर में भी ले जाएं, यानी सब पर आपके पास एक जितना ही चार्ज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप उसमें कंसिडर करवा सकते हैं। तो ये आपको डिक्रीज़ इन द आयनिक रेडियस देगा। सो इसी तरह आप पीरियड में भी ये देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएँ तो नेगेटिव आयंस में भी यही सिलसिला हमें देखने को मिलता है कि सेम डिक्रीज़ इन द साइज़। सो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर आपने जो क्वेश्चंस इससे रेलेवेंट स्टडी करने हैं, कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ द एटम विच इज़ द करेक्ट वन, तो बेरियम का साइज मैग्नीशियम से बड़ा होता है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, सोडियम आयन स्मॉलर देन द सोडियम एटम, येस ए ऑप्शन। तमाम ये मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल द अल्कली मेटल्स आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप, ये राइट है। इस तरह जो क्वेश्चंस आप यहाँ पर देखेंगे, व्हाट आर द इंप्रूवमेंट्स इन द मेंडेली पीरियोडिक टेबल, ये आपका क्वेश्चन नहीं होगा 4, क्योंकि हमने मेंडेली पीरियोडिक टेबल स्टडी नहीं किया, नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट ब्लॉक्स हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द केमिस्ट्री, दैट इज ब्लॉक्स की स्टडी, और व्हाई द आयनिक रेडियाई ऑफ द नेगेटिव आयंस आर लार्जर देन द साइज ऑफ देयर पेरेंट एटम्स, ये आप क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 का ए और बी पार्ट, के डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं या लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल करता है साइज को, जो आपने अभी ग्रेजुअल रिडक्शन देखा। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक।